नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और स्वागत है आपका फिल्म रोड में। दोस्तों, हाउ टू सेलेक्ट गुड स्टॉक्स की सीरीज में ये मेरा दूसरा वीडियो है। जिन लोगों ने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है, उन्हें जाके आई बटन पर देख लीजिए। वो वीडियो आपकी हेल्प करेगा हम किस कंटेक्स्ट में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो हमने बात किया था एक अच्छा इन्वेस्टर बनने के लिए हमें किन चीजों की आवश्यकता है और सबसे महत्वपूर्ण किन चीजों की हमें आवश्यकता नहीं है और कैसे आप शुरुआत कर सकते हैं स्टॉक इन्वेस्टमेंट के। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं बहुत सारी इन्वेस्टमेंट मेथोडोलॉजी की, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी की। इन सभी मेथोडोलॉजी में, इन सभी अप्रोचेस में क्या डिफरेंस होता है और वर्ल्ड के जो नोन इन्वेस्टर है वो कौन सी अप्रोच फॉलो करते हैं और मैं खुद कौन सी अप्रोच फॉलो करता हूं और आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ओवर जितने भी फेमस इन्वेस्टर हैं जिन्होंने बहुत इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट किया अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, वो सभी डिफरेंट अप्रोचेस मार्केट में फॉलो करते हैं और ऐसा नहीं है कि एक अप्रोच किसी दूसरी अप्रोच से बेटर है। हर किसी अप्रोच के अपने फायदे और नुकसान हैं। अगर मैं बात करूं सबसे मोस्ट फेमस बेंजामिन ग्राहम की, तो वो एक वैल्यू इन्वेस्टर हुआ करते थे। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते थे जो कि अपनी फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है। एग्जाम्पल की मदद समझिए, मान लीजिए एक पेन जिसकी कीमत 10 रुपए है, लेकिन वो पेन अगर मार्केट में 6 रुपए या 7 रुपए मिलने लगे तो हर कोई उस पेन को खरीदना चाहेगा। सेम वे बेंजामिन ग्राहम ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट किया करते थे जो अपनी कीमत से कम में मार्केट में ट्रेड कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा स्टॉक मार्केट में होता है और जो ये मेथोडोलॉजी है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के, इसे कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग। दूसरी तरफ फिलिप फिशर एक ऐसे इन्वेस्टर थे जो कि वर्ल्ड ओवर नोन थे। वो ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करते थे जो मार्केट में उनके रेट से कम रेट में मिल रही है लेकिन वो बहुत तेजी से आगे ग्रो करती रहती है। दोस्तों, वॉरेन बफेट के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम के ही स्टूडेंट रहा है और उन्होंने उनके अंडर ही अपना स्टॉक इन्वेस्टिंग सीखा है। दोस्तों, वॉरेन बफेट बेंजामिन ग्राहम की मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं और फिलिप फिशर को भी फॉलो करते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, मैं अपनी मेथोडोलॉजी में 85% बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करता हूं, 15% फिलिप फिशर को फॉलो करता हूं। तो दोस्तों, ये मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं कि वर्ल्ड ओवर डिफरेंट अप्रोचेस हैं। कोई भी अप्रोच किसी दूसरी अप्रोच से बेटर नहीं है। हर अप्रोच के अपने और फायदे और नुकसान है। आप इसे ऐसे समझिए कि हमें एक डेस्टिनेशन पर जाने के लिए बहुत सारे रास्ते दिए गए हैं और ये सभी रास्ते, ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। सभी का डेस्टिनेशन एक है, वेल्थ क्रिएशन, लेकिन ये डिफरेंट रास्ते हैं। कोई रास्ता सिंगल लेन हो सकता है, कोई रास्ता डबल लेन हो सकता है। कुछ रास्ता आपको अंधेरा मिलेगा, कुछ रास्ता उजाला मिलेगा। कुछ रास्ते हो सकता है आप थोड़ा जल्दी पहुंच जाए, कुछ रास्तों में थोड़ा लेट पहुंच जाए। कुछ रास्ता आपको बहुत भीड़ मिलेगी, कुछ रास्ते आपको खाली मिलेंगे। दोस्तों, ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं। हर किसी के अपने फायदे और नुकसान होते हैं। ये एज ए इन्वेस्टर आपको चूज करना है कि कौन सी अप्रोच आपके लिए बेटर होगी। तो आइए मैं इन अप्रोचेस को आगे और फर्दर डिटेल में डिस्कस करता हूं। जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो लोग जानते होंगे मार्केट में प्राइमरली दो तरह के टर्म यूज किया जाता है, फंडामेंटल इन्वेस्टर और टेक्निकल इन्वेस्टर, फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस। दोस्तों, ये प्राइमरली दो अप्रोचेस हैं स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक के एनालिसिस किए। फंडामेंटल एनालिसिस की मैं बात करूं, दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी भी कंपनी के बारे में बहुत विस्तार से, बहुत डिटेल्ड में जानना। फंडामेंटल एनालिसिस में हम उस कंपनी के बारे में जानते हैं कि वो कंपनी क्या बिजनेस करती है, कौन कौन से प्रोडक्ट है उस कंपनी में, कौन कौन से प्रोडक्ट का क्या क्या मिक्स है उस कंपनी में, उस कंपनी के सप्लायर कौन कौन है, उस कंपनी के कस्टमर कौन कौन है, वो कंपनी कितने दिनों में अपने डेटर से पैसा लेती है, वो कंपनी कितने दिनों में अपने क्रेडिटर को पेमेंट करती है, वो कंपनी कहां से बैंकिंग कर रही है, उस कंपनी के पास कितना लोन है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कितनी सैलरी रहता है, उस कंपनी का ऑडिटर कौन है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, फंडामेंटल एनालिसिस में हम उस कंपनी के बारे में बहुत डिटेल्ड में एनालिसिस करते हैं। हम समझते हैं उस कंपनी की बारीकियां और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये कंपनी हमारे लिए संभावित इन्वेस्टमेंट हो सकती है या नहीं। फंडामेंटल एनालिसिस को आप ऐसे समझिए, अगर आप चाहते हैं कूलर की फैक्ट्री लगाना,
तो आप देखना चाहेंगे कि मैं कौन सी जगह पर कूलर की फैक्ट्री लगाऊं, मुझे कूलर के रॉ मटेरियल कहां से मिलेगा, मैं इसे कौन से मार्केट में बेच पाऊंगा, मैं किस रेट में से बेच पाऊंगा, मुझे कॉम्पिटिटर से कैसे बचना होगा। दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस, और समझिए आप नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं उस बिजनेस के बारे में गहराइयों तक जाना बहुत जरूरी है। दिस मेथोडोलॉजी इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस की मैं बात करूं, टेक्निकल एनालिसिस लाइक जहां लोग पैटर्न देखते हैं और पैटर्न के हिसाब से अपना डिसीजन लेते हैं। स्टॉक मार्केट में कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक बहुत सारे पैटर्न्स बनाता है, बहुत सारे चार्ट्स बनाता है, उन चार्ट्स की मदद से टेक्निकल एनालिसिस एक फ्यूचर प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और उस फ्यूचर प्रिडिक्शन के हिसाब से ही वो मार्केट में स्टॉक्स खरीदते और बेचते हैं। मान लेते हैं आईटीसी लिमिटेड का ये चार्ट आपके सामने है और किसी टेक्निकल एनालिस्ट को ऐसा लगता है उनके एनालिसिस के बेस पे, उनके टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कि ये शेयर अभी कुछ दिनों में आगे मूव करेगा, तो वो उस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे। और अगर उन्हें लगता है अपने टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे कि ये सारे चार्ट मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखा रहे और ये शेयर अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा आगे आने वाले कुछ टाइम के लिए, तो वो उन्हें बेच देंगे। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में जनरली लोग स्टॉक्स कुछ मिनट से लेकर कुछ दिनों तक के लिए होल्ड करते हैं, जबकि फंडामेंटल एनालिसिस में जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं उसे सालों साल तक होल्ड करते हैं, बहुत लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करते हैं और बहुत वेल्थ बनाते हैं। टेक्निकल एनालिसिस उसके उलट है, कुछ मिनटों से लेकर कुछ दिनों तक कोई भी शेयर होल्ड किया जाता है और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर बदल जाते हैं वो स्टॉक सेल कर दिया जाता है या फिर खरीद लिया जाता है। दोस्तों अगर मैं कंपैरिजन करने जाऊं फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस की, जैसे कि बताया मैंने आपको, फंडामेंटल एनालिसिस इज लाइक कि मैं एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हूं, मुझे उस बिजनेस के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है और डिटेल में समझना है और अगर मुझे वो बिजनेस अच्छा लगता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट करूंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप डेली कोई नया बिजनेस शुरू करेंगे, जिंदगी में एक बार, दो बार, पांच बार, दस बार कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है। तो सेम है दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस में हम बहुत स्ट्रांगली कंपनी के बारे में रिसर्च करते हैं और उस रिसर्च के बेस पे हम उतनी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं बहुत लंबे समय के लिए। और बहुत लंबे समय के लिए विश्वास कीजिए एक अच्छा इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट किया जाता है फंडामेंटल एनालिसिस में। दूसरी तरफ टेक्निकल एनालिसिस कुछ चार्ट देख के, कुछ पैटर्न देख के क्विकली डिसाइड किया जाता है, कुछ मिनटों से लेके कुछ दिनों तक स्टॉक होल्ड किया जाता है और जैसे ही पैरामीटर बदले स्टॉक को रिवर्स कर लिया जाता है, या तो बेच दिया जाता है या फिर खरीद लिया जाता है। जितने भी नाम आप लोग जानते होंगे ग्लोब में या फिर हमारे देश में, सभी लोग, मोस्ट ऑफ द लोग फंडामेंटल इन्वेस्टर हैं और फंडामेंटल मेथोडोलॉजी की वजह से ही स्टॉक मार्केट में एक सिग्निफिकेंट वेल्थ क्रिएट किया जा सकता है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत सारी सब अप्रोचेस के बारे में। पहला है टॉप डाउन अप्रोच। दोस्तों टॉप डाउन अप्रोच से मतलब है कि मैं यहां ऊपर से शुरू करता हूं, धीरे धीरे नीचे की तरफ मूव करना शुरू करता हूं। दोस्तों टॉप डाउन एनालिसिस में मैं देखता हूं कि वर्ल्ड ओवर कौन सा देश, कौन सी इकोनॉमीज बहुत अच्छे से परफॉर्म करेंगी। जब मैंने वो देश आइडेंटिफाई कर लिए तो उसके बाद मैं देखता हूं उस पर्टिकुलर देश में, उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में कौन सी इंडस्ट्रीज अच्छा परफॉर्म करेंगी, कौन सी इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा चांसेस है पैसा बनाने के। और जब इंडस्ट्रीज मैंने फाइनल कर लिया तो इंडस्ट्रीज के बाद मैं मूव करता हूं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी कंपनियां हैं जो बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है, बहुत तेजी से ग्रो करती है। और फाइनली जब मैं वो कंपनी आइडेंटिफाई कर लेता हूं तो उस कंपनी में मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर देता हूं और धीरे धीरे अपना पैसा बनाना शुरू करता हूं। इस पूरी मेथोडोलॉजी में दोस्तों आपने देखा कि मैंने शुरू किया था कंट्री से कि कौन सी कंट्री बेहतर परफॉर्म करेंगी, कौन सी कंट्री इकोनॉमिक्स बेटर परफॉर्म करेंगी और धीरे धीरे मैं कंपनी तक पहुंच गया। एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूं आपको। मान लेते हैं जैसे अभी के समय पूरी दुनिया इस समय COVID-19 से परेशान है, कोई भी वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाई है। अगर आज के दिन वर्ल्ड ओवर लोगों को ये पॉसिबिलिटीज लगती है कि जो वैक्सीन डेवलप होगी COVID-19 की वो इंडिया में डेवलप होगी, तो एक पैरामीटर मैंने ढूंढ लिया कि कौन सी कंट्री या कौन सी इकोनॉमी परफॉर्म करेगी बेटर आगे आने वाले कुछ सालों में। दोस्तों दूसरे स्टेप में लोग देखेंगे इस पूरी कंट्री में कौन सी इंडस्ट्री सबसे बेस्ट रहेगी कुछ आगे आने वाले समय में, और ये रहेगा फार्मा इंडस्ट्री, क्योंकि वैक्सीन फार्मा इंडस्ट्री ही बनाने वाली है। जब इन्वेस्टर ने कंट्री आइडेंटिफाई कर लिया, इंडस्ट्री आइडेंटिफाई कर ली, तो मैं फार्मा इंडस्ट्री में देखूंगा कौन सी ऐसी कंपनियां हैं जो सिग्निफिकेंटली और बहुत तेजी से इस वैक्सीन के लिए काम कर रही है और आगे आके एज ए लीडर इमर्ज करेंगी, तो एज ए इन्वेस्टर मैं उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहूंगा। और ये पूरी मेथोडोलॉजी मेरे लिए रहेगी टॉप डाउन अप्रोच, जिसमें जहां मैंने
कंट्री आइडेंटिफाई किया था और मैं नीचे धीरे धीरे एक कंपनी तक पहुंच गया और कंपनी में फर्दर इन्वेस्ट करना शुरू किया। दोस्तों दूसरी मेथोडोलॉजी है बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन का बिल्कुल रिवर्स मेथोडोलॉजी है। यहां पर मैं एक कंट्री से शुरुआत नहीं करता, यहां पर मैं एक पर्टिकुलर कंपनी को देखता हूं कुछ पैरामीटर के बेस पे, और अगर वो कंपनी सारे पैरामीटर जो भी मैंने दिए हैं वो अगर मेट आउट करेगी तो उस कंपनी में इन्वेस्ट किया कर दिया जाएगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो इंडस्ट्री कैसा काम कर रही है, इररेस्पेक्टिव ऑफ फैक्ट कि वो कंट्री कैसा काम कर रही है। दोस्तों इन दोनों मेथोडोलॉजी में कोई भी मेथोडोलॉजी अच्छी या बुरी नहीं है, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर के ऊपर कि उसे कौन सा मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करना चाहिए, कौन सा मेथोडोलॉजी उसके लिए बेहतर है और कौन सा मेथोडोलॉजी वो ज्यादा स्टॉक और अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक चुन सकता है। टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोच डिस्कशन करने के बाद आप डिस्कस करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग और ग्रोथ इन्वेस्टिंग। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग बहुत पॉपुलर है स्टॉक मार्केट में, जितने भी बड़े नाम मैं बोलूं, वॉरेन बफेट है, पीटर लिंच है, या फिर देखिए बेंजामिन ग्राम में रहे हैं, या फिर हमारे चार्ली मंगर जी हैं, सभी वैल्यू इन्वेस्टर रहे हैं, सभी ग्रोथ इन्वेस्टर रहे हैं। मैं समझाता हूं आपको आखिर इन दोनों अप्रोच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग, जैसे कि मैंने वीडियो शुरुआत में कहा था, जहां पर आप वैल्यू फॉर मनी इन्वेस्ट करते हैं, समझिए एक पेन जो मार्केट में 10 रुपए का अवेलेबल है लेकिन किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए वो सेल पर है या फिर कुछ समय के लिए वो 7 रुपए का, 8 रुपए का, 5 रुपए का अवेलेबल है, तो क्यों ना आप उस पेन को खरीदना चाहेंगे। दोस्तों सेम वे स्टॉक मार्केट में काम करता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि कंपनियां अपनी वैल्यू से, अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे उनका शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा होता है, और जब लोग उन कंपनियों में इन्वेस्ट करेंगे तो वो धीरे धीरे आगे आने वाले समय में लोग पहचान जाएंगे कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है और उस कंपनी का शेयर प्राइस मूव करना शुरू होगा। तो दोस्तों इस मेथडोलॉजी को कहा जाता है वैल्यू इन्वेस्टिंग, जहां पर कंपनियों को फेयर मार्केट वैल्यू से कम रेट में खरीदा जाता है और आगे आने वाले साल में वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग का एक ड्रॉबैक है, ऐसा कई बार देखा गया है कि जो कंपनियां अपनी फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे ट्रेड करती हैं, जिनका शेयर प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे अवेलेबल है, वो कंपनियां कई बार अच्छी भी नहीं होती, और यही अच्छा नहीं होना उनका कारण है कि क्यों उनका शेयर प्राइस फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए ही ग्रोथ इन्वेस्टिंग काम आता है कि जहां पर कंपनियां फेयर मार्केट वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही है लेकिन उनका ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी बहुत अच्छा अवेलेबल है। एक पेन जो 10 रुपए जिसका फेयर मार्केट वैल्यू है या फिर कह सकते हैं एमआरपी है, मार्केट में 7 रुपए का अवेलेबल है लेकिन चलता ही नहीं है, तो कोई उस पेन को क्यों खरीदेगा, कोई खरीद के फायदा नहीं है। दूसरी तरफ एक ऐसा पेन जो 10 रुपए के जिसकी एमआरपी है, मार्केट में लेकिन 7 रुपए का अवेलेबल है और कुछ इस तरह की श्योरिटी भी देता है आपको कि जो भी एग्जाम आप उस पेन से लिखेंगे आप पास हो जाएंगे, डेफिनेटली जो लोग इस तरह का पेन पहचान लेंगे तो दोस्तों उस पेन को खरीदना पसंद करेंगे। और जो सेकंड वाला पेन है, दिस इज कॉल्ड ग्रोथ इन्वेस्टिंग। दोस्तों ये दोनों मेथोडोलॉजी, अगेन कोई भी मेथोडोलॉजी खराब नहीं है, हर मेथोडोलॉजी के अपने फायदे नुकसान है, ये एज इन्वेस्टर हमें पहचानना है कि कौन सी मेथोडोलॉजी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमारे लिए अच्छी साबित हो सकती है। अगर मैं वर्ल्ड ओवर सबसे मोस्ट पॉपुलर, सबसे मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात करूं, मिस्टर वॉरेन बफेट की, तो वो 85% अपनी वैल्यू मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं और 15% ग्रोथ मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हैं। अगर मैं दोस्तों अपनी बात करूं कि जो मैंने अभी तक डिस्कशन किया वीडियो में उसमें से एज ए इन्वेस्टर मैं क्या अडॉप्ट करता हूं, दोस्तों यहां पर ये बात बताना बहुत जरूरी है कि ये सारी अप्रोच ओवर ए पीरियड टाइम हमारी अप्रोचेस को, हमारे थॉट प्रोसेस को डिफाइन करती रहती है। और एज ए इन्वेस्टर मैं प्रेफर करता हूं फंडामेंटल एनालिसिस और मिस्टर वॉरेन बफेट को फॉलो करना कि तकरीबन 80-85% वैल्यू इन्वेस्टिंग और 15-20% ग्रोथ इन्वेस्टिंग। इसके अलावा दोस्तों मैं फॉलो करता हूं बॉटम अप अप्रोच, जहां पर मैं पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेस पे देखता हूं कि क्या वो कंपनी मेरे पैरामीटर्स को मीट आउट कर रही है या नहीं। अगर वो मेरे पैरामीटर्स को मीट आउट करती है तो मैं उस कंपनी में फर्दर रिसर्च करता हूं और उस कंपनी में फर्दर पैसा इन्वेस्ट करता हूं। दोस्तों इतना सब डिस्कशन करने के बाद जो मिलियन डॉलर क्वेश्चन खड़ा होता है आपके लिए कि आपके लिए कौन सी मेथोडोलॉजी ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये डिपेंड करता है आपके ऊपर एज ए इन्वेस्टर कि आपको कौन सी मेथोडोलॉजी अडॉप्ट करनी चाहिए। फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा वर्ल्ड ओवर जो एक्सपीरियंस देखा गया है सक्सेसफुल इन्वेस्टर का,
वर्ल्ड ओवर जो एक्सपीरियंस देखा गया है मोस्ट ऑफ द फेलियर इन्वेस्टर का, उसके बेस पे मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं कि आप फंडामेंटल एनालिसिस को ही अडॉप्ट करें। फंडामेंटल एनालिसिस आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप इनॉर्मस वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लाइफ टाइम में। जब आपके एक्शंस और आपकी अप्रोच आपके कंट्रोल में रहेगी तो आपके डिसीजन मेकिंग भी बहुत अच्छी हो जाएगी और अल्टीमेट ये रिफ्लेक्ट करेगा आपके पोर्टफोलियो में। I am not saying I am a great investor. I am simply a learner like you only. I am just sharing my experiences with you. I am just sharing what I have read in the books and what successful investor says. So with this, I am completing my second part on how to select good stocks. दोस्तों आई होप ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करो जिससे वो लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा पाए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगले वीडियो तक दोस्तों आगे दीजिए, तब तक के लिए जय हिंद।